खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है उज्जैन। विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शन की जांच की जाएगी। महाकाल मंदिर के आसपास जुटा सकती है सबूत यूपी एसटीएफ की टीम। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शन की जांच करेगी ये टीम। महाकाल मंदिर के आसपास सबूत जुटा सकती है। तो यूपीएसटीएफ की टीम पहुंची उज्जैन, बड़ी खबर, जहां पर कहा जा रहा है विकास दुबे की उज्जैन कनेक्शन को लेकर जांच की जाएगी कि फरीदाबाद से आखिर रातों रात उज्जैन कैसे पहुंचा, किसकी मदद से उज्जैन पहुंचा और उज्जैन में कहां पर रुका था विकास दुबे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जांच का विषय हैं और इनकी जांच की जाएगी। महाकाल मंदिर के आसपास से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए खबर जो मिल रही है उसमें कहा जा रहा है यूपीएसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चूंकि विकास दुबे उज्जैन महाकाल में ही नाटकीय ढंग से सरेंडर किया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और फिर कानपुर लाते वक्त उनका इनकाउंटर हो गया। इस इनकाउंटर को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एसटीएफ चूंकि उज्जैन में कैसे रुके थे, किसके यहाँ रुके थे और किन के संपर्क में आए थे, साथ ही सुरक्षा गार्ड जिसने इस बात की शिनाख्त की, सूचना दी पुलिस को, इन सबसे बातचीत करेगी। वहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर सकती है कि पूछताछ में चूंकि काफ़ी घंटे हिरासत में थे एमपी पुलिस के, तो उस दौरान कई सारी बातचीत कबूल की कि इन लोगों से नेटवर्क थे, मारा कि नहीं मारा, कहाँ कहाँ भागा और कैसे उज्जैन पहुँचा। तो एमपी पुलिस की भी इस बात की बताया उस विकास दुबे ने जो अपराधी था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप जिसके ऊपर थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पुलिस अधिकारियों से बातचीत होगी। कई और लोग हैं जिस कारोबारी के यहाँ रुके थे, शराब व्यवसायी के यहाँ, उससे भी एसटीएफ पूछताछ कर सकती है, हालांकि उसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा कई और लोगों पे जिन पे शक है या पूछताछ के बाद ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, उन पे एसटीएफ पूछताछ या फिर हिरासत में ले सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, जब लास्ट लोकेशन फरीदाबाद देखी गई थी विकास की, सवाल तभी उठ रहे थे और उसके दूसरे दिन, उसके अगले ही दिन जब विकास ने एक नाटकीय ढंग से सरेंडर करा उज्जैन मंदिर में, महाकाल मंदिर में, तो उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वहाँ कैसे पहुँचा। ये सारी चीज़ें जाँच का विषय थी कि किन लोगों की मदद से वहाँ पर पहुँचा रातों रात और किसके यहाँ रुका हुआ था और किस तरह से महाकाल मंदिर आया। महाकाल मंदिर भी जाएगी ये टीम और कहा जा रहा है कि आसपास से कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती है। अनन्या, वही बात अभी मैंने कहा कि उन लोगों से पूछताछ सबूत इकट्ठा करेगी, जैसे जो सुरक्षाकर्मी है जिसने सूचना दी उससे पूछताछ कर सकती है, कुछ सबूत हासिल हो सकती है। इसके अलावा उज्जैन महाकाल या किन लोगों से संपर्क में आया, कैसे पहुंचा, इन सब चीज़ों की डिटेल्स एसटीएफ खंगालेगी उज्जैन में। बिल्कुल, साफ तौर पर ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। कल जिस तरह से एनकाउंटर भी पर भी सवाल उठ रहे थे और सारी चीज़ें, क्योंकि उज्जैन से सब चीज़ें लिंक होती हैं, सारी कैसे उज्जैन पहुंचा, क्योंकि तमाम बॉर्डर सील थे और उसके बाद फरीदाबाद लास्ट लोकेशन और उसके बाद उज्जैन पहुंचना, वहां पर किसके यहाँ रुका, कितने लोगों की ऐसे पूछताछ होगी उज्जैन में अभी और किसको हिरासत में लिया है पुलिस ने, किन किन लोगों को, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया शराब व्यवसायी जिसके घर पर वो ठहरा हुआ था उसको भी हिरासत में लिया है पुलिस ने। देखिए, शराब व्यवसायी के अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये चौबेपुर थाने ने इस बात की कल शाम को ही तस्दीक कर दी थी। 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो उन लोगों की मदद की है। एसटीएफ फिलहाल अभी जांच करने के लिए पहुंची है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे या जिनकी संलिप्तता सामने आएगी या जिनको शक होगा, उनको एसटीएफ हिरासत में लेकर के पूछताछ कर सकती है और फिर चौबेपुर पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज करके साजिश यानी उस जो घटना हुई उसमें शामिल होने या शरण देने के आरोप में उनको जेल भेज सकती है।
तो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा हो चुका है, उनकी हो चुकी है। एसटीएफ चूंकि जांच करने गई है और कौन से लोग हैं, किसके ऊपर शक है, अगर उस शक के दायरे में पूछताछ में बातें स्पष्ट होती हैं, अपराधी को शरण दिया है या इनकी संलिप्तता है, तो एसटीएफ उनको हिरासत में ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।